जय हिंद दोस्तों। अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा वीडियो देखिए, पूरी बात आपको समझ में आएगी और आप कैसे बचेंगे, किस तरह से गाड़ी चलाएंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आपको सज़ा मिलेगी, क्या हो सकता है, तय लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, सारा जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिए, पूरी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइक या कार हर किसी के पास होता है, शायद किसी के पास नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है तो बाइक इंसान किसी का न किसी का ज़रूर चलाता है। तो आपसे ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाए, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, ये सारी जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि आप गाड़ी तेज चलाते हैं, चाहे बाइक हो या कार, गाड़ी चला रहे हैं आप और आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कोई इंसान घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और घायल हो जाता है, आप पर एमबी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 337 338 के तहत मुकदमा हो सकता है। और आपको बता दूं कि 337 अगर लग गया तो आपको 6 महीने तक की कैद हो सकती है प्लस जुर्माना, और 338 लग गया तो 2 साल तक की कैद होगी प्लस जुर्माना। अगर लापरवाही से आप गाड़ी चला रहे हैं और ठोकर लग जाता है, लापरवाही का मतलब क्या होता है, लापरवाही आप समझ रहे हैं, जैसे कि बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाका में तेज गाड़ी चलाना, लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाना, कहीं और देखना, कहीं और गाड़ी चलाना। अब ये पता कैसे चलेगा, अगर वहाँ पे 2 से 3 विटनेस हो गया जो देख रहा है कि आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, अगर गवाही दे देता है तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, या फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है उसमें कैद हो जाता है कि आप तय लिमिट से ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मार्केट है, लेकिन आप वहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं 50 से 60 के स्पीड में, 40 के स्पीड में, 70 के स्पीड में, तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी। वहाँ सिचुएशन देख के आपको गाड़ी चलाना है, हालात देख कर गाड़ी चलाना है। तो इस केस में यह एक्ट लग सकता है, एमबी एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा आईपीसी की धारा 337 338 लग सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और उससे किसी की मौत हो जाती है, तो घायल की मैं बात बताऊँ, घायल हो जाता है तो सिर्फ उतना पर आप बच जाएंगे, लेकिन किसी की मौत हो जाती है, मान ली किसी की मौत हो जाती है तो क्या होगा, फिर होगा कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा आप पर चलेगा। गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या यह होता है कि आपका हत्या करने का इरादा नहीं था लेकिन आपके लापरवाही के कारण किसी की मौत हो गई, इसीलिए आप पर एमबी एक्ट के अलावा 304(2) चलेगा, 304 आईपीसी की धारा 304(2) चलेगा, जिसमें आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना तो होगा ही होगा, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और आप काफ़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाए, इन सभी चीज़ों को समझ लें। इसके अलावा और बता देता हूँ आपको कि तय लिमिट से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जो लिमिट तय होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं पर कैंप है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि 20 के स्पीड में यहाँ पे लेकर जाना है, 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का एक लिमिट बना होता है, उतना दूर आपको 20 के स्पीड में चलना है या 30 के स्पीड में चलना है या 40 के स्पीड में चलना है, एक तय लिमिट बना हुआ होता है, उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, या फिर किसी किसी ब्रिज पर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है कि इस पुलिया पर, इस ब्रिज पर इस स्पीड से ही चले, तो वहाँ पर तय लिमिट होता है, उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं और ज़्यादा तेज़ में चलाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आप पर आईपीसी की धारा 279 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें क्या होगा, जुर्माना तो आपको होगा ही एमबी एक्ट के तहत, उसके अलावा 6 महीने के कैद भी हो सकती है साथ में, या फिर दोनों हो सकता है, आपको जुर्माना और कैद दोनों हो सकता है। तो यह सब चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी दुर्घटना होता है, कहीं भी हादसा आपसे हो जाता है, गाड़ी से, बाइक से, कार से, या फिर कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, तो आपको एमबी एक्ट ही नहीं लगेगा, लोग एमबी एक्ट जानते हैं, इसके अलावा आईपीसी की सेक्शन भी इस पर लगता है। आपसे अगर हादसा होता है और पता चलता है कि आपके लापरवाही से, या फिर आपने जानबूझ के स्पीड गाड़ी चला रहा था, अगर कोई वहाँ पे विटनेस हो जाता है, गवाह हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है, किसी प्रकार से अगर कोई सबूत मिल जाता है, फिर भारी मुसीबत में आप पड़ेंगे। और आगे बता दूँ आपको कि 100 ml खून में अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, और टेस्ट होता है आपका, पकड़े जाते हैं, तो 100 ml खून में 30 mg भी अल्कोहल पाया जाता है, 100 ml खून में मात्र 30 mg भी अल्कोहल पाया जाता है, तो भारी चलान के साथ साथ 6 माह का कैद भी होगा, मतलब कि जुर्माना भी होगा, कैद भी होगा, या फिर खाली जुर्माना भी हो सकता है, या फिर कैद भी हो सकता है, तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट में किसी का मौत हो जाता है, तो वहाँ पर सारी की सारी गलती आपकी मानी जाएगी, टोटल गलती आपकी मानी जाएगी, और फिर आप पर यही सेक्शन लगेगा 304(2) जो गैर इरादतन हत्या का होता है, इसमें 10 साल तक की आपकी कैद हो सकती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि गलती से एक्सीडेंट हो जाए, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या होगा,
होता है कभी कभी कि कोई जानबूझ के, जैसे कि आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, फिर भी कोई सामने से क्रॉस कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप जा रहे हैं अचानक कोई वहाँ पे आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप सही साइड से जा रहे हैं कोई रॉन्ग साइड से आके आपको ठोक देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है या फिर घायल हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है हादसा, तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं मानी जाती है। इस तरह का एक्सीडेंट होने पर आपको थाने से ही जमानत हो जाएगी, MB एक्ट के तहत थाने से ही जमानत हो जाएगी। अगर थाना से जमानत ना भी होता है, आपको जेल भेज भी दिया जाता है किसी कंडीशन में, तो आपका कोर्ट में ही आसानी से जमानत हो जाएगा। MB एक्ट के तहत आसानी से जमानत हो जाएगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का पेपर सही सलामत होना चाहिए, तो आपका जमानत आसानी से हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर यह चीज़ आपको साबित करना है, आपको साबित करना है ये चीज़ कि मैं अपने जगह सही हूँ। अब साबित कैसे करना है, साबित ये करना है जैसे कि आप, मैंने आपको बताया कि ग्रीन सिग्नल है, वहाँ पे कोई आ गया तो साबित हो ही जाएगा कि गलती उसकी है। आप जा रहे हैं तय लिमिट में, सही लिमिट में गाड़ी चला रहे हैं और कोई अचानक आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है या मौत हो जाता है। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चला रहे हैं, मार्केट में गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अपने लिमिट में चला रहे हैं, तेज नहीं चला रहे हैं, जो लिमिट होता है 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड आराम से चला रहे हैं, जैसा सिचुएशन देख रहे हैं वैसा चला रहे हैं, आप तय लिमिट में चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है या फिर कोई घायल हो जाता है, तो फिर आपकी जमानत हो सकती है थाने से। लेकिन ये आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर भी अगर CCTV कैमरा लगा हुआ है या कोई विटनेस है, ये कह देता है, ये बता देता है, अगर वो देख रहा है नहीं ये तेज़ गाड़ी चला रहा था, बचने की कोशिश करेंगे, झूठ बोल रहे हैं, अगर 2-3 विटनेस हो जाता है वहाँ पर, विटनेस गवाही देने वाला कैमरा हो जाता है, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जानबूझ के गलती ना करें, तेज़ गाड़ी न चलाएं, अपने हिसाब से गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास जरूर रखें, गाड़ी का कागज़ सही रखें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए लापरवाही से आप नहीं चला रहे हैं, धोखा से हो जा रहा है, तो उसके लिए प्रावधान है, जमानत भी हो जाता है, कोर्ट से हो या थाना से हो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते होंगे एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो वहाँ पर लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं आपस में, अगर थोड़ा फूट फाट है, थोड़ा सा घायल है, तो लोग कंप्रोमाइज़ करा लेते हैं, इलाज करा लेते हैं उनसे पैसे लेकर, या फिर बहुत तरह के मामला होता है, आपस में लोग मिल लेते हैं, आपस में मिल बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लोग भी आसपास होते हैं वो भी करा देते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा सही था, सही से गाड़ी चला रहा था, ये गलती से एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के नहीं किया, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ भी होता है, अक्सर देखते होंगे बाइक से किसी को ठोकर लग गया तो वहाँ पर पैसे के लेन देन करके कंप्रोमाइज़ लोग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर यह पता चल जाए कि नहीं आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और आप वहाँ पर कंप्रोमाइज़ में ज़्यादा पैसा मांगा जाता है, अगर नहीं हो पाता है, ये मामला कोर्ट चला जाता है, तो मैंने जो जो सेक्शन बताया आपको, MB एक्ट के अलावा IPC के सारा सेक्शन का यूज हो सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप पर जुर्माना भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए गाड़ी है आपके पास तो सावधानी बरतिए। मैं आपके भलाई के लिए इसी तरह का नई नई जानकारी लाता रहता हूं, नया नया कानून बताता रहता हूं, नया नया लॉ बताता रहता हूं, ये इसलिए बताता रहता हूं कि आपको जानकारी हो, आपके पास जानकारी रहेगा तो आप सतर्क रहेंगे, आप उस कानून का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से मेरे चैनल में बने रहें, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाल में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी दबा लें, और मन में जो भी सवाल होगा, प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा तो आप सवाल करेंगे तो मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे ये बना रहा हूँ ये भी किसी न किसी का टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, अगर छोटा सवाल हुआ कोई तो वहीं पर जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर भी बने रहे, इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।